हुआ ट्रिप जी पाकिस्तान का और कैसा महसूस कर रही हैं पाकिस्तान दूसरी मर्तबा आकर आप? मैं पहली बार मैं आई थी 2005 में, मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम लोग कॉलेज में थे, कॉलेज शायद जस्ट खत्म किया था और उसको नौकरी से निकाल दिया था और मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी तो, तो हमें समझ नहीं आया क्या करें। तो एक दिन हम बैठे थे साथ में, बहुत ही परेशान, बोर हो रहे थे, हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है, दुश्मन देश चलते हैं। तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया, मेरे फादर से नेवी में थे तो उस टाइम उनके पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छे ताल्लुकात थे, तो हमने जुगाड़ लगाया और हमें वीजा लग गया और हम दो अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार, और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस, सब फेल है लाहौर के सामने। जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, ये कहाँ से सुन लिया? ये एक्चुअली इंडिया में, मतलब हम जानते हैं इसको, आई थिंक ये हाँ ये कहा जाता है, हमें पता है कि ये कहा जाता है लाहौर टाइप का। जी, मैंने अपनी नानी को जब बताया फर्स्ट टाइम कि हम लाहौर आ रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, तो बहुत डर गई। तो वो तो अरे क्या मतलब है इन बातों का, वो यूपी की है तो बेहतर है, कही क्या करती रहती हो तुम, ऐसे कैसे जा सकती हो इस टाइम पर। तो वो बेचारी दो महीने से हनुमान चालीसा पढ़ रही थी पहले से, हमारी ट्रिप की पहले से, और किसी को बताना मत इंडिया से हो ये वो। हम आए यहाँ अनारकली मार्केट में घुसे और अच्छा। करते करते किसी ने पूछा कि आपकी जबान यहाँ की नहीं लग रही है वो, तो हमने हम करते बताया वो दिल्ली से आए, इंडिया से आए, ओ चाय लाओ, समोसे लाओ, ठंडा लाओ, ओ हम वहाँ बैठ के समोसे खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। उसके बाद मैंने पट्टा लगा लिया कि मैं इंडिया से आई हूँ। और हम लोग उस वक्त सब जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे, तो आपके बसों में और आपके वो रिक्शा और नहीं वो मेटाडोर्स में सब जगह घूमे, अनारकली से दातागंज बख्श साहब और लाहौर फोर्ट और सब देख लिया मैंने। तो एक दिन रात को 10 करीब बज गए थे, हम लोग डिफेंस में रह रहे थे उस वक्त, और रास्ता खो गया, तो वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाले थे आपके, तो हम गए और मैंने जनाब वर्ड सीख लिया, क्योंकि हम इंडिया में भैया भैया करते हैं हाँ। लेकिन मैंने सोचा यहाँ थोड़ी यू नो सलीके से रहना चाहिए। तो हम गए और उन्होंने कहा जनाब वो हम थोड़ा रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो डिफेंस जाना था, कौन सी बस मिलेगी? कहता है कहाँ के हो आप, कराची से आए? हमने कहा नहीं, हम तो तब तक तो पता था, हमने कहा दिल्ली से आए, इंडिया से। इंडिया से आए हो आप, तो मेहमान हो हमारे। एक बस आ रही थी, उसने सीटी बजाई, बस रोकी और वो कंडक्टर उतरा, अरे अरे सर सर, उसे लगा मेरा पर्चा कटने वाला है। तो ये पुलिस में जो थे पुलिस वाले साहब, इन्होंने कहा ये जो है बीबियां, ये इंडिया से आई है, मेहमान है हमारी, इन्हें इनके गेट तक छोड़ो। उसके बाद तो हम बस में गए और एकदम बैठ गए।